इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसे WWE सुपरस्टार जिन्होंने खुद को ही फेस किया इन रिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर एक से स्टार्ट करते हैं, तो नंबर एक पे नाम आता है द डेड मैन अंडरटेकर की। तो 1994 के टाइम पे मिलियन डॉलर मैन टेडी बीआरसी अपने खुद का डेड मैन वर्जन लेके आए थे। जोसेफ ने टेडी बीआरसी की ही बात सुन रहा था और टेडी बीआरसी क्लेम कर रहे थे कि यही है असली अंडरटेकर। इसके कुछ टाइम बाद पॉल बेरर यहाँ पे इंटरप्ट करते हैं टेडी बीआरसी को और वो बोलते कि वो रियल अंडरटेकर को जल्दी लेकर आएंगे। उसके बाद 1994 के समर स्लैम में द रियल अंडरटेकर आते और फेक अंडरटेकर के साथ फेस ऑफ करते। फिर इन दोनों का मैच होता है और रियल अंडरटेकर ने एक टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर दे के फेक अंडरटेकर को यहाँ पर तबाह कर दिया और इस तरीके से अंडरटेकर ने मैच को जीत लिया। नेक्स्ट के बाद नंबर फोर्थ पे द डेविल्स फेवरेट डेमन केन। तो 2006 में यहाँ पे केन जब अपने करियर के पीक में थे तब उनके सामने अचानक से आ जाते उनकी तरह मास्क पहनने वाले केन, और यहाँ पे केन ये देख के पूरी शॉक हो गए थे। फिर इन दोनों के यहाँ पे अच्छा राइवलरी चला। फिर इन दोनों का मैच होता है एट वेनेगरेंस एट 2006, जहाँ पे यहाँ पे फेक केन ने रियल केन को हरा दिया। फिर बाद में मंडे नाइट रॉ पे यहाँ पर केन ने फेक केन को बहुत ब्रूटल यहाँ पर अटैक किया और WWE से पूरी तरीके से फेंक दिया, और ये फेक केन और कोई नहीं होते लूक गैलोज। नेक्स्ट नंबर थर्ड पे जो सुपरस्टार है वो एक गोल्ड वर्क। तो 1998 के टाइम पे यहाँ पर जब मंडे नाइट वॉर चल रहा था बिटवीन WWE एंड WCW, उस टाइम पे यहाँ पर WWF ने गोल्डबर्ग के मिमिक्री करने के लिए यहाँ पर एक इंट्रोड्यूस किया कैरेक्टर जिसका नाम था गिलबर्ग, और वो काफ़ी मजाक उड़ाते थे गोल्डबर्ग को और इनडायरेक्टली यहाँ पर गोल्डबर्ग को भी रेफर कर रहे थे। फिर जब 2003 में गोल्डबर्ग ने WWE ज्वाइन किया तब यहाँ पर उन्होंने कन्फर्म किया गिलबर्ग को, और फिर जब इन दोनों का मैच हुआ एक मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में तब यहाँ पर गोल्डबर्ग ने पूरी तरीके से क्रश कर दिया गिलबर्ग को। नंबर फोर्थ पे जो सुपरस्टार है वो है सिन कारा। तो 2011 के टाइम पे यहाँ पर सिन कारा जब रिटर्न कर रहे थे WWE में तो एक और एक सिन कारा आ गए थे जो बिल्कुल इस सिन कारा के टाइप ही लग रहे थे, और WWE यूनिवर्स पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सा रियल सिन कारा है, और वो रियल सिन कारा के मैचेस में भी यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपना एंटायर अटायर ही चेंज कर दिया और उन्होंने यहाँ पे ब्लैक एंड रेड अटायर लगा लिया जैसे यहाँ पर स्पेनिश लगाते हैं। इसके बाद जब इन दोनों का मैच हुआ तो यहाँ पर रियल सिन कारा ने फेक सिन कारा को हरा दिया इन्हें मास्क वर्सेस मास्क मैच में। इसके बाद जब उनका मास्क उतारा गया तो सुपरस्टार निकले हुनी को। लास्ट नंबर फिफ्थ पे जो सुपरस्टार है वो है स्टिंग। तो यहाँ पर 1996 के टाइम पे यहाँ पे NWO ज्वाइन कर लिया था एक स्टिंग ने, तो यहाँ पर सभी पूरी क्राउड शॉक हो गई थी। तो बाद में पता चला वही है फेक स्टिंग, और यहाँ पे जब उनकी कन्फ्रंटेशन होती है रियल स्टिंग से तो रियल स्टिंग उनको बहुत बड़ा बीटअप देते हैं, और उसके बाद ये दोनों कन्फ्रंटेशन भी करते एक मैच में। तो यही थे WWE के ऐसे पांच सुपरस्टार हु फेस्ड देमसेल्व्स इन द रिंग। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।